कैसे हैं गुड, भाई? ऑल गुड. यू टेल मी, वी आर सो एक्साइटेड. जी, वेल फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू, आपने टाइम निकाला. आई वांट टू थैंक माय टीम एट स्टार्टअप आपने सीजन. टाइम दिया. आई एम थैंकफुल. जिस तरीके से दौर चेंज हो रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके अंदर मुझे जो लोग अभी भी याद रखते हैं, अपने दिल में रखते हैं, उनके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. उनकी वजह से ही ये लाइटें जलती हैं, उनकी वजह से ही घर में खाना पकता है. सो इट्स एन ऑनर. थैंक यू. यू आर सो डाउन टू अर्थ, आई मस्ट से. और आपको यहाँ पे फादर ऑफ देसी हिप हॉप, द ओजी कहा देखिए, जाता है, माना जाता है, पंजाबी हाँ, रैप गॉड. नहीं, फादर तो ये टाइटल आपको मिल चुका है, तो आपको कैसा फील होता है? देखिए, फादर तो मैं नहीं हूं, मेरे को बच्चे नहीं है अभी. नहीं, वो वो तो नहीं, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि सबका बाप ऐसा. ये प्यार है, मैं सबका लाडला हूं. मेरे अर्ली डेज में मेरी वीडियोस हैं, शोज हैं, जिसमें मेरे बड़े गुस्से वाले गाने और गुस्से वाले शोज, वो मैं एक्चुअल में लाडला हूँ सबका. मेरे भाइयों का प्यार है, वो जिस तरीके से मुझे सबने अपने मुझे वेलकम किया और अपने कंधों पे बिठाया, और मैं उन्हीं की एनर्जी दे रहा था उन्हीं को. तो उसमें कोई भी, अब जब मैं बैठ के सोचता हूँ तो मैं रियलाइज करता हूँ कि उनकी वो मोहब्बत थी, उनका वो लाडला पुना था, कि जिसकी वजह से मैं जो भी बोल रहा दिल में आया बोल दिया. सो दैट्स समथिंग आई एम रियली थैंकफुल टू टू एवरीवन जिन्होंने That's why we थ्रू love मेरे you. करियर में मुझे सपोर्ट किया. आई एम थैंकफुल टू देम. I think इसी वजह से लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि आपने किसी को फॉलो नहीं किया, सिर्फ अपने दिल को फॉलो किया. So, how do you see the current hip hop market now? आई डोंट सी इट. मैं अब इतना इन टच नहीं हूं, इतना ज्यादा हिप हॉप सीन को फॉलो नहीं करता मैं. तो उसके लिए मैं सॉरी हूं अगर आप पीपल एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं करूं, लेकिन नहीं. मुझे मेरे फैंस ने मैंने अपने फैंस से दुआ की कि मेरी हेल्प करो कि मैं अपनी जिंदगी को एक बचपन में फ्रॉम अ होमलेस किड टू बींग एबल टू प्रोवाइड फॉर माई फैमिली एंड लिव कंफर्टेबली. तो मैंने अपने फैंस से दुआ की थी कि मेरी हेल्प करो. मेरी फैंस ने मुझे वहां तक पहुंचा दिया. ये फैंस ही तो हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ. तो अब जब यहाँ हूँ तो अब मैं ये जिंदगी जी रहा हूँ. आई वॉन्ट लिव माई लाइफ द वे आई वॉन्ट एंजॉय. सो आई एम नॉट, मैं अभी भी उसी सीन में नहीं, अभी भी मैं उसी काली डनाली में नहीं हूँ. और ये मेरे फैंस ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, तो क्यों ना मैं इस जिंदगी को एंजॉय करूं, क्यों ना मैं यहाँ पर भी आके अभी भी अगर मैं वही हरकतें करूंगा जो बचपन में करता था, तो मेरे फैंस ने जो इतनी हेल्प की है यहाँ तक पहुंचाने तक, उसका फायदा क्या हुआ? अभी भी अगर मैं वही बचपना दिखाऊंगा, लड़ पड़ूंगा, या तो फैंस ने जो यहाँ तक पहुंचाया उनका तो कोई फायदा ना हुआ. हाँ, बिल्कुल सही. उसका उसका नेगेटिव ये है कि फिर अब मैं मुझे कुछ पता ही नहीं कि सीन में क्या हो रहा है. मैं आई डोंट फॉलो, सुनता नहीं हूं मैं. हाँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको नेगेटिव कह रहा हूं या वो अच्छे नहीं है या मैं आउट ऑफ टच हूं, मुझे नहीं पता बच्चे क्या कर रहे हैं. मेरा ये था कि मैंने अपने आप को चैलेंज किया कि अगर आउट ऑफ टच होके भी मैं म्यूजिक बनाता हूं तो क्या होता है. लेट्स मेक म्यूजिक. यू नो, अगर अगर तो फैंस कहते हैं भाई आपकी एनर्जी चाहिए, अगर तो अभी भी है मेरे अंदर कुछ, तो वो इस एल्बम में निकल के आ जाएगा. तो इस चक्कर वाओ, में मैं स्टूडियो में आ गया एल्बम करने, अदरवाइज कुछ म्यूजिक से अब रहा नहीं है इतना. मतलब मेरी मेरा रैप गेम हो, मेरे नो नो नो. लिए कोई गर्ल्स आपने होती. आपने जितने भी गाने बनाए अब तक, वो सारे मास्टरपीस ही रहे हैं. अभी भी वाह वाह हर जगह में चलता ही रहता है आपका नाम. हर किसी के दिमाग में है कि आप ही सबके बाप हो, द ओजी. आपने ही शुरुआत की थी जब किसी ने नहीं की थी. जी सर, सो
ये जो आपका एल्बम है रैप स्टार रीलोडेड, तो ये किस चीज से रीलोडेड है, जरा ये बताइए। ये मेरा एल्बम था जिसका नाम था द रैप स्टार। तो वो एल्बम भी मैंने अकेले बैठ के स्टूडियो में बनाया था, द रैप स्टार। मतलब अकेले ही, उसका मैंने नाम ही द रैप स्टार इसलिए रखा था टू प्रूव के अगर मैं अपने आप को अकेला स्टूडियो में लॉक करूं, एम आई दैट स्टार, या मुझे हेल्प चाहिए, या मुझे लिरिसिस्ट चाहिए, या मुझे कीबोर्ड प्लेयर चाहिए, या मुझे ड्रमर चाहिए, अगर तुम मुझे बेस प्लेयर चाहिए, अगर तुम मुझे वो सब चाहिए तो देन आई एम नॉट द रैप स्टार, देन वी आर ऑल, सब मिला के मैं स्टार बना। हाँ, अगर तुम, मैं अकेला अपने आप को स्टूडियो में लॉक करता हूँ, ड्रम मशीन, कंप्यूटर, माइक, पेन एंड अ पैड, जो भी आपको बेसिक, क्या मैं पूरा एल्बम बना सकता हूँ अकेला? अकेला का मतलब अकेला मीनिंग आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, हाँ टेक्नीशियन तो साथ है, नहीं, हाँ भाई कोई लड़का तो नहीं, नहीं, कोई नहीं, नो वन, कोई नहीं। नो वन, दैट्स व्हेन यू, सो दैट्स व्हाई आई कॉल दैट आई एम द रैप स्टार। उसको अब उस समय को जमाना हो गया, उसके बाद मैं लेजी हो गया, मैं मुझे बड़ा मजा आया, मुझे सब इतने अच्छे अच्छे लड़के बीट्स भेजते हैं, इतने अच्छे अच्छे लड़के कोलैबोरेशन के लिए गाने, अब मैं उसमें, मैंने कहा हाँ यही तो दिन चाहिए था कि जब मुझे, मैं खुद बीट ही ना मुझे बनानी पड़े, इतने अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर्स, लेकिन फैंस ने नहीं, वो लाइक की बात, फैंस ने कहा कि भाई वी वांट द रैप स्टार जो अकेला कर सकता है सब कुछ करके दिखाता है। तो इस एल्बम को मैंने नाम रखा रैप स्टार रीलोडेड। तो नाउ आई एम गोना रीलोड माय सेल्फ अगेन, किक एवरीवन आउट ऑफ द स्टूडियो, अकेला, नोबडी, बैक टू जीरो स्टार्ट, देखो भाई मैं कर सकता हूँ, एल्बम बना सकता हूँ। तो दैट्स व्हाई वाह दिस एल्बम इज कॉल्ड रैप स्टार रीलोडेड, दिस इज ऑल मी। वाह कोई म्यूजिशियन नहीं है, कोई पियानो भी जितने बजे हैं वो मैंने ही बजाए हैं, स्ट्रिंग जो पीछे बज रहे हैं वो मैंने बजाए हैं, वो सैंपल नहीं लिए, हाई वाह हेट्स भी जो वाह बज रहे हैं वो मैंने बजाए हैं, वो किसी से बड़े बनाए नहीं लिए। आई कैन शो यू माई मिडी फाइल्स, आई कैन शो यू एवरीथिंग, पूरा एल्बम अकेला मैंने बनाया, दैट्स व्हाई आई एम प्रीटी प्राउड ऑफ इट एंड आई कॉल्ड इट रैप स्टार यू रीलोडेड। शुड बी वाह वाह सो बेस्ट विशेस फॉर योर एल्बम। थैंक यू सो मच। And also, like, how do you motivate yourself to write a song or to make music? Because sometimes in life, you know, हम लोग बहुत ही frustrated रहते हैं कुछ चीजों के वजह से, you know, we feel low and नहीं हो पाता है, मतलब, you know, चाहते हुए भी हम लोग नहीं कर पाते अपने आप को push. So, like, how do you push yourself to that level? So, आपने जहां पर ही डिसाइड कर दिया ना कि आपको पुश चाहिए, वहां पर आप मेंटली फेल हो गए, क्योंकि जहां पर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपको एक्सटर्नल, आपको बाहर से कुछ चाहिए, वहीं आपने एडमिट कर लिया कि आपके अंदर कमी है, जहां ही आपने सोच लिया कि हाँ मुझे किसी से मोटिवेशन कोई देगा तो तब मैं कुछ बनाऊंगी या बनाऊंगा, तो तभी आपने एक्सेप्ट कर लिया कि किसी और की वजह से आप बनाएंगे या बनाएंगी। सो आई थिंक कि मोटिवेशन की जो बात है कि भी मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, वो उसी में खामी है, मुझे नहीं लगता आपको मोटिवेशन चाहिए, वो आपकी गलत फहमी है, वाओ वो आपको, आप अपने आप को एक एक्सक्यूज दे रहे हैं, बिल्कुल जिस बिल्कुल तरह नेगेटिव चीज करने के लिए भी एक्सक्यूज आप यूज करते हैं ट्रू कि हाँ यार सब पार्टी कर रहे थे, मैं भी चली गई पार्टी में, अरे यार दोस्त यू नो एंजॉयर लेट थे, रात आप आउट, मैं भी रात आउट रह गया बाहर, यार हाँ सारे थे, तो अब मैंने वो दोस्त मैं छोड़ के आ सकता था रात जल्दी, आ आ सकते थे सकता यस यस था, मैं भी ट्रू रहा, अब मैं कहना नहीं जा रहा कि मैं रहा, मैं कह रहा हूँ नहीं दोस्त, सो मैं हम उनको एज अ मोटिवेशन अब यूज कर रहा हूँ, खुद खुद को ही हम एक्सक्यूज दे रहे हैं बस ये रहते हैं। तो पॉजिटिव में भी तो ऐसा ही होता है ना, ट्रू पॉजिटिव में आप कह रहे हैं कि मैंने कुछ हिट सॉन्ग बनाना है, लेकिन यार मुझे मोटिवेशन, अगर बोहेमिया भाई, नो नो, यू टेल योरसेल्फ के यू नो इट्स यू अगेंस्ट द वर्ल्ड, सो मोटिवेशन नहीं चाहिए, मोटिवेशन बच्चों के लिए होती है, मोटिवेशन इमेच्योर्स के लिए होती है, बिल्कुल जो प्रोफेशनल बिल्कुल होते हैं वो मोटिवेशन के लिए, हम सुबह उठ के गाना बनाते हैं, दैट्स इट, हम कोई मोटिवेशन नहीं ढूंढते, हम काम पे जाते हैं, एक जो सोल्जर होता है वो सुबह उठ के जॉब पे जाता है, उसको पता है वो मर भी सकता है लेकिन उसको मोटिवेशन नहीं, उसके लिए वो एक जॉब है, आम आदमी के
कि सुन के ही आप घबरा जाते हो कि ये तेरी जॉब है कि तू शायद घर से ना आए. हाँ ये मेरी जॉब है. इट इज नीड मोटिवेशन. इज नॉट एक्साइट. आप उसके अंदर कोई बड़ी बात थोड़ी है. मैंने अगर रैप कर दिया है उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है. अगर मैंने मैं सबसे पहला था, मुझे सब कहते हैं, आप सबने, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. ये सबसे बड़ी बात मेरे 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 बाप ने मुझे सिखाई थी. जब मैं डैड के पास आता था, मैं अक्षय कुमार जी के साथ घूमा, अक्षय कुमार जी के साथ मूवीज बना रहा हूँ, उनके साथ पॉपकॉर्न खा रहा हूँ, उनके साथ वर्कआउट कर रहा हूँ, उनके साथ उनकी मूवीज के डबिंग पे जा रहा हूँ, और आके मैं डैडी को बता रहा हूँ, डैड अक्षय कुमार के साथ मैं. डैड कह रहे हाँ काम क्या किया. And dad impressed you with that. And I was like, man, I wanted to impress dad. But dad was trying to tell me, you're Bohemia, do your job. Of course, Akshay Kumar wants to hang out with you. Of course, Bollywood wants you. Of course, they're welcoming you. You have talent. And Bollywood loves talent. Bollywood, jiske paas talent hai, Bollywood usko jagah deta hai. They don't, you know, main sunta hun stories Bollywood ke baare mein negative. But mera jo personal experience hai, wo positive raha hai. मुझे हेल्प दी. मुझे किसी ने नहीं पूछा कि यू नो वेयर आई एम फ्रॉम, व्हाट्स माय रिलीजन, व्हाट्स माय, मेरा मेरा डैडी बॉलीवुड में था या नहीं था. नो, मुझे जितने लोग मिले सबने मुझे मेरी हेल्प की. सो कोई बड़ी बात नहीं है. आप अपनी जॉब करो. मोटिवेशन बच्चों की बात है, नहीं चाहिए आपको. डोंट बी सो. अब मैंने अगर बनाई ली है रैप तो इट्स नॉट, कोई बड़ी बात नहीं. बहुत लोग हैं अभी भी सोचते हैं कि यू नो स्टार्स के साथ घूमने से मतलब वो भी स्टार बन जाता है. वो गलत है. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी में यू नो ऊपर वाले ने गॉड गिफ्टेड टैलेंट दिया है, एंड आई थिंक वी शुड एक्सप्लोर इट. एंड एक ना एक दिन हम टकरा ही जाते हैं उस चीज से. तो आपकी जो ये डैड की स्टोरी है इससे मैं यही समझ पाई. एंड ऑल्सो हाउ डू यू डील विथ, ऑफ कोर्स आप डील नहीं करते होंगे, लेकिन मैं या फिर मेरे जैसे और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी फियर ऑफ जजमेंट से डील करता है. यू नो लाइक हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अगर हमने ऐसे कहा, अगर हमने ऐसे किया तो लोग क्या कहेंगे. ये तो आपसे ज्यादा अच्छे से कोई जवाब ही नहीं दे सकता है, क्योंकि आप तो बस जो आपके दिल में आता है आप बस वही बोलते हो. तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज के बारे में एक बार बताओ कि कैसे हम फियर ऑफ जजमेंट से डील करें, कैसे करें. देखें आप लोग जब आप एज अ आर्टिस्ट पेश करते हैं अपने आप को, तो वो जो आर्ट को जज करना है वो लोगों का हक है. तो एज अ आर्टिस्ट आप ये याद रखें कि एक बार आपने जब अपना अपना पार्ट, लेकिन हमारे लिए जो एक आम आर्टिस्ट, एक आम आदमी जो बात वो समझता नहीं है, वो ऐसे है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को लेके आती है. तो राइट अवे आप बच्चे को देख के क्या कहोगे माँ को? माँ बोलेगी देखिए मेरा बच्चा है. आप क्या बोलोगे? क्यूट है. अभी आपने देखा तो नहीं ना बच्चा, तो आपने क्यूट बोल दिया ऑलरेडी. मैंने तो आपको एग्जांपल दी, राइट? अच्छा, आपने क्यूट बोल दिया. मैंने तो देखा, आपने मुझसे ये तो नहीं कैसा है बच्चा है. हाँ, नहीं पूछा आपने, क्यों बोल दिया? क्यों? क्योंकि आपका दिल किया कि एक माँ के हाथ में उसका बच्चा है, वो क्यूटी दिखेगा ऐसा. क्यूटी उसको मैं बोलूं, मैं माँ को क्या बोलूं कि भाई बड़ा होगा तो मैं बताऊंगी इसकी हरकतें से देख के बताऊंगी, भाई ये बड़ा होगा तो मैं बताऊंगी ये अच्छा है कि बुरा है. हो सकता है शैतान हो. तो यू नॉट गोना से दैट टू योर मॉम, एक माँ को. माँ को बोलोगे नहीं आपका बच्चा क्यूट है, बहुत प्यार. हमारे गाने जो हम दिल से देते हैं वो हमारे बच्चे होते हैं. आम जनता उस चीज को समझ नहीं पाती. आम जनता बोलती है तेरा गाना है यार, वो तेरा गाना बड़ा बकवास है नया. ऐसे किसी माँ को कहना यार तेरा जोड़ा नया बच्चा है, वो बहुत अगली है, क्यूट नहीं है. सो दैट्स द फीलिंग जो हमें फील होती है, क्योंकि वो हमारा बच्चा है. फैंस को नहीं पता ना, वो फैंस नहीं समझ पा रहे ना. ये बात आप समझिए, फैंस को नहीं पता वो बात, फैंस नहीं कभी समझेंगे. और आप हमेशा, आपके लिए आपके सॉन्ग बच्चे ही हों, बच्चे ही होंगे. वेरी टू ग्रो, यू गोना हैव टू ग्रो अ टफ स्किन. कभी कभी माँ बाप को ये करना पड़ता है. माँ बाप के बच्चे बाहर जाते हैं और वो डील करते हैं दुनिया से, दुनिया से डील करते हैं और वो वापस आते हैं
रोते, लेकिन उनको माँ बाप कहते हैं ना ऐसा होता है बेटे, जाओ उनको सॉरी करो, जाओ उनके साथ आप निपटाओ, नहीं ऐसा तो होगा ना, उससे मत डरो, उससे बात करो, बिकॉज माँ बाप वॉन्ट्स यू टू ग्रो, माँ बाप कैन. सो सेम थिंग विद आवर सॉन्ग्स, इफ इफ समवन लाइक्स या द सॉन्ग दे लाइक इट, इफ दे डोंट लाइक इट दे गोना से दे डोंट लाइक इट, दे हैव द राइट उसमें. हाँ कभी मैं आपके साथ, हाँ कभी भी वो चेंज नहीं होगी फीलिंग. अब देखो मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं नहीं हुए अभी हो अभी मेरा एल्बम आया है सातवां, ठीक है ना, कितने गाने हो गए हैं अभी भी. इस गाने में अगर कोई मुझे बोल दे यार उस एक गाने में आपका वो अच्छा नहीं लगा, तो मैं सारी रात बैठा रहूंगा यार उसको वो पसंद नहीं आया यार, उसमें क्या रहा है, वो नहीं चेंज होगा, वो नहीं नहीं आपकी सारी चाहिए. लाइफ ही, उसको आप एज अ पार्ट ऑफ लाइफ लेके, वो हमारी सेक्रीफाइस है, वो हमारी जिंदगी का के साथ ही चलेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा. एंड आई थिंक प्रैक्टिस से भी बहुत सारी चीजें सॉल्व हो सकती है. यू नो व्हेन यू प्रैक्टिस देन यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट. एंड ये मैंने मेरा खुद का एक्सपीरियंस है. लाइक बैक देन आई थिंक लाइक 4-5 years बैक दैट टाइम इट वॉज सो डिफिकल्ट फॉर मी टू राइट अ सॉन्ग. मतलब मैं सोचती थी कि यार आर्टिस्ट गाने कैसे बनाते होंगे. एक लाइन लिखने से भी मतलब ऐसा लगता था कि नहीं यार ये नहीं हो पाया. मतलब पेजेस फाड़ देती थी, यू नो इरेज कर देती थी, नहीं हो रहा था. लेकिन मन में एक विश्वास था कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, लेकिन एक हफ्ते बाद एक लाइन तो बनेगा, बनेगा है ना. जब वो बन जाता है फिर और उम्मीद बढ़ जाती है कि अब दूसरा भी बन जाएगा, अब तीसरा भी बन जाएगा, अब चौथा भी बन जाएगा. यू नो व्हाट आई मीन. तो ऐसे ऐसे कर करके भी मतलब यू नो मैं बस अपने बारे में बता रही हूँ कि मैंने क्या बोलते हैं इसको, ये एक अचीवमेंट ही है मेरे लिए कि प्रैक्टिस बहुत बहुत जरूरी है. मतलब प्रैक्टिस के बिना सारी चीजें अधूरी है. सही बात, सही बात. जैसे आपने कहा यू टेकिंग इट वन डे एट अ टाइम, एक दिन, आज का दिन, आज का दिन. जरूरी नहीं है कि आप अपने ऊपर एक टेंशन ले ले, आपने इट्स इम्पोर्टेंट टू एंजॉय द जर्नी. आप साथ साथ एंजॉय. जो टाइम है वो फिर मुड़ के नहीं आता, तो बिल्कुल सर. और एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि जो पॉप है और हिप हॉप, पॉप एंड हिप हॉप, तो बहुत लोग बोलते हैं कि दोनों चीजें आप एक साथ नहीं कर सकते हो. जैसे कि मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मैं गाना भी गाती हूँ, मैं रैप भी करती हूँ. तो समवेयर लाइक यू नो मैं कंफ्यूज भी हूँ कि मुझे जाना कहाँ है. बिकॉज मैं अगर दोनों को लेके चलती हूँ तो लोग कहते हैं कि नहीं तुम दोनों को साथ लेके नहीं चल सकती, यू हैव टू चूज वन पाथ. आप तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू मेक म्यूजिक, मेक म्यूजिक, डोंट मेक पॉप, डोंट मेक हिप हॉप, मेक म्यूजिक दैट्स क्लोज टू यू. जब मैंने म्यूजिक स्टार्ट किया तो उस वक्त मैं पंजाबी नहीं बोलता था, ना ही मेरे साथ कोई बोलता था पंजाबी, घर पे तो सब उर्दू बोलते हैं. तो मैंने पंजाबी में क्यों लिखी रैप, आई हैव नो आइडिया. ओकलैंड में था, मेरे तो कोई पंजाबी दोस्त ही नहीं था. जब मैंने काली डनाली म्यूजिक बनाया उस वक्त मेरे साथ कोई दोस्त दोस्त देसी दोस्त ही नहीं था, काले दोस्त थे, गोरे, मैक्सिकन. तो मैंने पंजाबी में जब मैं रैप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ना मुझे खुद समझ आ रही, ना बोला जा रहा है, ना जो मेरे पास दोस्त है उनको समझ आ रही है बेचारों को, मैं क्यों कर रहा हूँ मुझे पता नहीं, मजा आ रहा है करने का बस. उस समय जानरा भी नहीं एग्जिस्ट करता था, देयर वाज नो देसी हिप हॉप इन 2001. 2001 में जब मैं किसी को बोलता था यार ये मैंने गाना बनाया, वो सुन कैसे करते थे, ये क्या है, ये क्या है, इज इट पंजाबी म्यूजिक, बिकॉज इट डजंट साउंड लाइक पंजाबी म्यूजिक. अचानक ही मुझे बीबीसी वालों ने कहा कि अभी तेरा गाना टॉप 10 में चला गया. घर में बनाया, मैं कही कैसे टॉप 10 में, उसकी तो अभी तक समझ नहीं है, लोगों को तो समझ नहीं आया गाना क्या है.
जानरा क्या है, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता था. तो मुझे बीबीसी से कॉल आया, उनका एक टीवी शो था देसी टीएनए, उन्होंने कॉल किया कि अभी तुझे इंटरव्यू करना है. एंड आई पिक अप द फोन एंड देयर इज दिस गर्ल इन दैट इंग्लिश एक्सेंट, आई वांट टू स्पीक विद द पंजाबी रैपर. मैंने कहा द पंजाबी रैपर, मैंने कहा दैट मींस कि ये जो सुन रहे हैं मुझे, इनके लिए तो मैं पंजाबी रैपर हूं, इनका मतलब इनको मेरा म्यूजिक पंजाबी रैप लग रहा है. शी सेड द पंजाबी रैपर. अच्छा, मुझे वो बड़ा मजा लाया उसमें सुन के ना, क्योंकि उसमें कशिश थी नाम में द पंजाब. उन दिनों में बैक, उन दिनों में डॉट कॉम का ट्रेंड था, भाई आपकी डॉट कॉम बना लो, एक वेबसाइट बना लो अपने नाम की. मैं यार नाम ही नहीं पता चल रहा किसकी बनाए क्या बनाए. वो फोन मैंने उसको मैडम को बोला, ठीक है जी कर लीजिए फोन इंटरव्यू आके. कहने ठीक है हमारे. मैंने रखा, मैंने कहा उस्ताद किसी से टोपी मांगो, किसी से जैकेट मांगो, किसी की चेन, मुझे कुछ दो, इंटरव्यू होना है मेरा. कुछ था ही नहीं, सब यारों के. वो इंटरव्यू आप देखिए मेरा पड़ा है ऑनलाइन, वो सब मांगे कपड़े पहने में. मैंने कहा और एक और बात याद रखो. कहने क्या, मैं कहा नाम मिल गया उस्ताद क्या, मैं कहा द पंजाबी रैपर. वाओ, she called me the Punjabi rapper, BBC called me the Punjabi rapper, people called me the Punjabi rapper. I don't know I was making Punjabi rap music. uska phir baad mein genre ban gaya. to aapka question ye tha ki main pop karun ya hip hop karun, jo dil aap mein aaye karo, jo dil mein jinhone jo naam dena hai wo denge. aap apni marzi se pop karte rahe, kisi ne sun ke bola hai kya hip hop banaya, aap apni marzi se hip hop करते रहे, किसी के लिए वो हिप हॉप इनफ नहीं है, वो बोलेगा नहीं ये तो पॉप है. तो मैं सॉरी टू इंटरप्ट, तो मैं एक रियलिटी शो पे थी, तो एमटीवी हसल, तो वहां पे मुझे, हाँ मैं बहुत आगे तक नहीं बढ़ पाई, बिकॉज क्या था कि मेरे पास कंटेंट नहीं थे. मैं बस ऐसे ऑडिशन देने चली गई और मेरा सिलेक्शन हो गया, और फिर मैं खुद हैरान रह गई कि मेरे पास एक तो कंटेंट नहीं है, दो गाने ही थे मेरे पास. nice. मेरा सिलेक्शन हो गया, और वहां जाके देखती हूँ कि जितने बाकी सारे रैपर्स हैं उनके पास में ढेर सारे गाने पड़े हैं, बिकॉज उन्होंने बहुत साल से गाने बनाए, अपने ऊपर काम किया, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉन्फिडेंट ऑन द स्टेज. बट